प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। मलिक मोहम्मद जायसी ने यहीं से कहा था कि योगी सिद्ध होई तब जब गोरख सो भेंट। स्वतार महायोगी गोरखनाथ के वे अनन्य अनुयायी थे और उन्होंने उस योग की साधना में इतने पारंगत हुए थे कि उन्हें सिद्धि प्राप्त हो गई थी। भारतीय परंपरा कितनी समृद्ध है, वह व्यक्ति जाति मत और मजहब नहीं देखती। अमेठी ने जिन लोगों को आजादी के बाद देश की सत्ता सौंपी थी, मलिक मोहम्मद जायसी की ये बात अगर उनके दिमाग में आई हुई थी होती तो संभवतः हिंदू और हिंदुत्व में भेद नहीं करते। लेकिन चूंकि जिन लोगों ने विभाजनकारी राजनीति को सदैव अपनाया, विघटन और विभाजन जिनके जीन्स का हिस्सा है, भाइयों बहनों, जिनकी खानदान और जिनके पूर्वज कहते थे कि हम तो एक्सीडेंटली हिंदू हैं, तो वे लोग अपने को हिंदू बोल भी नहीं सकते। ये उनकी मजबूरी है, ये उनकी मजबूरी है कि वह आज आपके उत्साह और उमंग के सामने, आपकी आस्था के सामने नतमस्तक हो गए हैं। अन्यथा उन लोगों ने तो बहुत पहले कह दिया था कि हम एक्सीडेंटली हिंदू हैं, यानी दुर्भाग्य से ही भारत में जन्म ले लिए हैं और इसलिए जब वे एक्सीडेंटली थे तो ये एक्सीडेंट देश के साथ जब भी अवसर मिला, देश के साथ भी और अमेठी के साथ भी यही करते रहे। हम लोगों में कोई छुपाव भी नहीं है और कोई घबराहट भी नहीं है। जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी हम लोग कहते थे, आज मुख्यमंत्री हैं तब भी कह रहे हैं और आगे भी यही कहेंगे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हमें कोई संकोच नहीं है और हिंदूपन का यह भाव व्यक्ति जाति मत और मजहब में नहीं बांटती। ये हमारी सांस्कृतिक पहचान है। इस सांस्कृतिक पहचान को जानने का प्रयास अगर इन लोगों ने किया होता तो 1947 में इस देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन भी नहीं होता। गरीबों के लिए अन्य योजनाओं का जो पैसा था, वही पैसा ये सब अपना बटोर बटोर करके रखे हुए थे, आज उसी पैसे को निकाल करके फिर से उसको विकास के कार्यों में हम लोग लगवाएंगे, इसलिए जेसीबी चलवाई जा रही है और इस कार्य को हम लोग पहले से भी कर रहे हैं। हमने पहले ही कहा था जब सरकार में आए थे तभी हमने कहा था अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेंगे। ये अपराधी और माफिया जो सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करते थे, गरीबों की संपत्ति पर कब्जा करते थे, व्यापारियों की संपत्तियों पर कब्जा करते थे, शरीफ और सम्मानित लोगों की संपत्ति पर कब्जा करते थे और फिर सत्ता अधिष्ठान में बैठ करके धमकाने का कार्य भी करते थे, इन सबको पहले उठा उठा करके जेल के अंदर ठूसने का कार्य किया गया। बाद में संपत्तियों की जांच की गई और जहां पर लगा ये अवैध है वहां पर भाइयों बहनों बुलडोजर चलाने में भी कोई गुरेज नहीं की। भाइयों बहनों, प्रदेश सरकार का बुलडोजर जब चलता है तो उस समय समाजवादी पार्टी के बबुआ को बुरा लगता है। जब माफियाओं की संपत्ति जब्त की जाती है तो उनको बुरा लगता है। प्रभात खबर।